थोड़ा जल्दी चलो, पापा के घर मुरली शुरू ना हो जाए। चलो चलो जल्दी जल्दी पापा की याद में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 26 मार्च 2023 की अव्यक्त बाप दादा का मधुर महावाक्य है। पांच मुख्य बातें याद रखेंगे। पहले, त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो, दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। दूसरा, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान ब्राह्मण जन्म के विशेष सौगात रूप के दिया है। सदा दिव्य बुद्धि याद रखना। तीसरा है, ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाना है, प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनना है। चौथा, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। पांचवी बात है, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद सदा मिलती रहेगी। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में रहना है, दिव्य बुद्धि का विमान सदा याद रहे, ज्ञान और योग को प्रयोग में लाना है, मास्टर सर्वशक्तिवान हाईएस्ट समान में स्थित रहना है। सच्ची दिल वाले बनेंगे तो तिलाराम सदा राजी रहेगा, आशीर्वाद मिलते रहेगा। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा परम प्यारे अति प्रिय शिव बाबा का संतान हूँ। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ स्थिति का आसन पर बैठकर हर बात में विजय प्राप्त करेंगे। मैं सर्व का सहयोग देने वाले सहयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा, बाप दादा ने मेरे को जन्मते ही दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, कितना मैं भाग्यशाली हूँ। मैं आत्मा, ज्ञान और योग को प्रयोग में लाने वाले शक्तिशाली प्रयोगशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र मन के द्वारा दिव्य बुद्धि के विमान के द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा, दिलाराम शिव बाबा का अति प्यारा सच्चा दिल वाला बच्चा हूँ। मैं दिलाराम से सदा आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। मैं आत्मा, त्रिकालदर्शी हूँ, दिव्य बुद्धिधारी हूँ, ज्ञान और योग को प्रयोग में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान सच्ची दिल वाले हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। परम प्यारे प्रभु शिव पिता का संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ।
जू